हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का 10th क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर ऑफ एकेडमिक सेशन 2019-20। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स हैं, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है और सेक्शन टू में चॉइस आती है, तो हम करेंगे सेक्शन वन। सेक्शन वन में चार क्वेश्चंस हैं। वी विल स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पार्ट का क्वेश्चन है, डिफाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। एफ इज फोर्स अप्लाइड एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड पार्ट है इसका, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एस आई यूनिट एंड सी जी एस यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो इसकी एस आई यूनिट होती है 1 न्यूटन पर मीटर और सी जी एस यूनिट होती है अर्ज। तो 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल्स टू 10^7 अर्ज। बी पार्ट है, डिफाइंड किलोवाट आर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू जूल। तो 1 किलोवाट पावर सब्सटेन फॉर 1 आर इज नोन एज 1 किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3600 किलो जूल्स। हमारा थर्ड पार्ट है, अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। वॉट इज द वर्क डन बाय सैटेलाइट एट एनी कॉन्स्टेंट, गिव रीजन। सो हमें जैसे पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी कांस्टेंट पे जो सैटेलाइट की लोकेशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज जीरो। थस द वर्क डन बाय सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट इज जीरो। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट वाले में उन्होंने पूछा है कि कौन सा लिवर है। तो इसमें क्योंकि एफर्ट बीच में है एंड फल्क्रम और लोड साइड में है, तो ये थर्ड क्लास लिवर है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अपर लिवर विदाउट इंक्रीजिंग लेंथ। तो बिना लेंथ बढ़ाए हमें इसको इसकी मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ानी है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो एफर्ट आर्म है वो क्योंकि एफर्ट बीच में है, लोड आर्म से छोटी है, तो हमें किसी तरह से एफर्ट को उस पोजिशन पर स्टेबल करना है, वो मतलब लोड आर्म से बिल्कुल सस्टेनेबल इक्वल आ जाए, पॉसिबली क्लोज करना है और लोड आर्म को इंक्रीज करना है। तो उस हिसाब से हमारी मैकेनिकल एडवांटेज इस लिवर की बढ़ जाएगी। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, जिसके दो पार्ट्स हैं। इसमें हमें बताना है, एग्जांपल देना है। तो केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल देना है। तो हमारा एग्जांपल हुआ केमिकल बैटरी। और सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी। तो इसका एग्जांपल है तो माइक्रोफोन या स्पीकर, कुछ भी। नाउ वी विल कंटिन्यू टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के भी 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि अ क्रेन ए लिफ्ट्स अ हैवी लोड इन 5 सेकंड, वेयर एज एन अनदर क्रेन बी डज द सेम वर्क इन 2 सेकंड। कंपेयर द पावर ऑफ क्रेन ए टू दैट ऑफ क्रेन बी। सो इसमें दो क्रेन हैं जिनकी उन्होंने आपको टाइम बता रखा कि वो कितने टाइम में सेम वर्क करते हैं। तो वर्क हो गया कॉन्स्टेंट, हमें पावर कंपेयर करनी है। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी वन इक्वल्स टू वर्क अपॉन टी वन एंड पी टू इक्वल्स टू वर्क अपॉन टी टू। वर्क हमने कॉन्स्टेंट सेम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि सेम वर्क है। पी वन की जगह आपको पी टू की जगह को आपको रेशियो में निकालना है, और टी वन और टी टू में आप 5 सेकंड्स और 2 सेकंड रख सकते हो, ये न्यूमेरिकल है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। सो आपकी बुक्स में ऐसा एक डायग्राम होगा, मैं फिर भी इसे थोड़ा वो कर देती हूँ क्लियर। ऐसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है, इसमें इंसिडेंट रे नॉर्मल पर स्ट्राइक करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है एयर से ग्लास में। उसके बाद ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टिव रे, फिर दोबारा वो नॉर्मल पर स्ट्राइक करती है। नॉर्मल हमारा इमेजिनरी होता है, मैंने स्ट्रेट बनाया, आपको डॉटेड बनाना है। और फिर हमारी इमेजिनरी रे बाहर निकलती है, वो भी चेंज होती है क्योंकि फिर अब वो ग्लास से बाहर एयर में निकल रही है। इंसिडेंट रे विल मूव टूवर्ड्स अ नॉर्मल एंड इमेजिनरी रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि दोनों टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। आपको दो चीज़ें अच्छे से याद रखनी है डायग्राम बनाते हुए, एरो देना, डायरेक्शन एरो इज कंपल्सरी, नेमिंग प्रॉपर करनी है, यहाँ तक कि ग्लास स्लैब को भी नेम देना है ए बी सी डी। एंड जो आप ये नॉर्मल बनाओगे ये सॉलिड लाइन नहीं, ये डॉटेड लाइन्स होंगी या डैश लाइन्स होंगी। फिर नेक्स्ट भी हमारा एक डायग्राम है, कंपेयर पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ए बी इंसिडेंट ऑन सर्फेस पी क्यू ऑफ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पी क्यू आर टिल इट्स इमर्जेस आउट ऑफ प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रेक्शन। सो ये इन्होंने हमें एक इनकम्प्लीट सा डायग्राम दे रखा है जो एक ग्लास प्रिज्म का है, इसमें से ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, ये क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है तो अगेन टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, स्ट्रेट लाइन हमने सोचा है, मतलब वी कैन इमेजिन कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है वो, देन दोबारा नॉर्मल हमने डॉटेड लाइन से मैंने दिया है, और फिर इमेजिनरी रे
क्योंकि वो एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिव रे, ये एमर्जेंट रे। यहाँ पे एक डिविएशन आया क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन जब ग्लास में एंटर हुई तो इसे ऐसे जाना चाहिए था, पर ये इस तरफ डिविएट हुई, और फिर जब ये दोबारा ग्लास से बाहर निकली है प्रिज्म से तो ये ऐसे, मतलब इसको अगर हम पीछे पुशबैक करते हैं तो ये, तो हमारा डिविएशन वन, ये डिविएशन टू, तो इनके इंटरसेक्शन पे हम देख सकते हैं ये हमारा टोटल डिविएशन हुआ लाइट का। इसमें भी आपको एरो देना इज कंपल्सरी, प्लेन्स शुड बी ऑफ डॉटेड लाइंस एंड व्हेन यू इमर्ज इट आउट ये भी डॉटेड से होगा। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में उन्होंने पूछा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एन एनलार्ज रियल इमेज। एनलार्ज रियल इमेज के लिए हमें फोकस और एफ टू के बीच में रखना है, एंड एनलार्ज वर्चुअल इमेज के लिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। ये कॉन्वेक्स लेंस है दोनों, मतलब वी कैन सी, मतलब इमेज के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कौन सा लेंस है। फिर पॉन्ड अपेयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ पॉन्ड। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ आपको दे रखी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रियल डेप्थ निकालना है एक्स लेके, आपकी रियल डेप्थ 3.6 मीटर्स आ जाएगी। फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के भी 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड एंड ब्लू कलर्स आर नियरली 7.8 × 10⁻¹⁷ मीटर एंड 4.8 × 10⁻¹⁷ मीटर रिस्पेक्टिवली। तो विच कलर हैज़ अ ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। दोनों के कलर वैक्यूम में दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी, दोनों लाइट्स की, रेड और ब्लू की, और ग्रेटर स्पीड ग्लास में ग्रेटर स्पीड रेड लाइट की होगी। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने बोला है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन इन वैक्यूम। फ्री वाइब्रेशन है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे भी मूव कर सकता है, बट ना फ्री वाइब्रेशन में भी उनका जो पीरियड होता है वो सेम रहता है, दिस डिस्टेंस इज पीरियड एंड एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है। डिस्प्लेसमेंट में उसकी मूवमेंट आती है क्योंकि डिस्टेंस मूव कर कवर कर रहा है वो, और टाइम के साथ तो सबसे मूव करता ही है। देन अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ वाटर हैज़ वेवलेंथ 0.4 मीटर, इज दिस वेव ऑडियबल इन एयर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1400 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की पावर माइनस वन है। सो इसमें हम वाला फॉर्मूला ले सकते हैं दैट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेव लेंथ। सो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 3500 हर्ट्ज। थर्स ये जो है ये ऑडियबल है क्योंकि उन्होंने पूछा था कि ये वेव ऑडियबल है कि नहीं एयर में, तो ये ऑडियबल है। Why does the stone lying in the sun get heated up much more than the water lying for the same duration of time? तो इसकी हमारे पास एक बहुत ही proper reason है कि land surface absorb more solar radiation and heat than water, और water reflects the solar radiations. So इसलिए जो stone sun में पड़ा होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है than as compared to water. Now उसका last part है, Why it is not advisable to use a piece of copper wire as fuse wire in electric circuit? क्योंकि जो melting point होता है copper का वो 10 से higher होता है, तो वो जल्दी melt हो जाएगा, इसलिए हम लोग 10 लेते हैं। Now question number 4. Question number 4 के भी 5 parts ही हैं. So पहला part है calculate the total resistance across AB. ये हमें इन्होंने एक diagram दिया है resistance clock का, तो इसमें हमें resistance निकालना है। अब हम देख सकते हैं ये 3 है ओम और 6 ओम दोनों पैलर में हैं, तो हम इन्हें 1/3 एंड 1/6 से निकाल लेंगे, तो इनका आ जाएगा 2 ओम। और फिर जब इन दोनों का 2 ओम आ जाएगा तो 2 ओम और ये 5 ओम ये दोनों सीरीज में हैं, तो हम इन्हें डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो आया 7 ओम। नाउ सेकंड पार्ट इज टू मेटेलिक ब्लॉक्स पी एंड क्यू हैविंग मासेस इन रेशियो 2:1 आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट इफ देयर टेम्परेचर राइजेस बाय सेम डिग्री कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट हमारे पास फॉर्मूला है दैट हीट रिक्वायर्ड अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। इस वाले फॉर्मूले में जब आप ये रेशियो पुट करोगे और हीट कांस्टेंट लेके, शायद नहीं हीट उन्होंने आपको सप्लाई कर, हाँ हीट कांस्टेंट लेनी है, हीट इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है सेम अमाउंट ऑफ हीट उसे कांस्टेंट लेना है, और टेम्परेचर में जो राइज हुआ है वो भी सेम डिग्री से हुआ है, तो आपका रेशियो आ जाएगा स्पेसिफिक हीट का 1:2। Now, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a magnetic force. What should be an angle between magnetic field and length of conductor so that the force experiences zero? Force experience zero. ये question बहुत confusing होता है, last time
जब आया था ये क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, आधे बच्चों ने 0 डिग्री लिखा था, आधे 180। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर जो फोर्स और दोनों फोर्सेज आपस में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल 0 हुआ, ठीक है, तब भी जो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा दोनों 0 होंगे। और अगर ये इक्वली अपोजिट है तो दोनों के बीच में एंगल हुआ 180, तो 180 के उस पर भी वो 0 ही एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसके आंसर दोनों हैं, और मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। देन हमें एक न्यूक्लियस दिया गया है, एक्स इज एक्स की मास है 202 और एटॉमिक नंबर है 84। ये पहले अल्फा पार्टिकल से इमिट हुआ है फिर बीटा पार्टिकल से। तो जब अल्फा पार्टिकल से इमिट होता है तो मास नंबर में 4 सब्ट्रैक्ट होते हैं, 4 नंबर्स, और एटॉमिक नंबर में 2, तो ये हो जाएगा 198/82। फिर जब बीटा पार्टिकल से इमिट होता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, एटॉमिक नंबर में +1 होता है, तो यह आ जाएगा 198/83। उन्होंने बोला बीटा पार्टिकल इमिट होने के बाद ये वाई ए बी बना है, तो यानी बी इज 198 एंड ए इज 83, तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सेक्शन बी का। सो हम करेंगे लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का, सेक्शन ए का। सो ये क्वेश्चन कहता है, डायग्राम बिलो शोज अ लूप ऑफ वायर कैरिंग अ करंट। ये हमें इन्होंने एक लूप दे रखा है, एक सर्किट बताया है। इस सर्किट का सबसे अच्छा तरीका है, इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा व्हाट इज अ मैग्नेटिक पोलैरिटी। अगर आपको किसी भी सर्किट की मैग्नेटिक पोलैरिटी निकालनी है तो आप ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, और फिर देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे है बैटरी, यहाँ पे सर्किट है, जब सर्किट ऑन होगा तब यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हुआ है, ऐसे गया है। तो जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है हमें एक लाइन ऐसे इस पॉइंट से बनानी है इसके, और फिर वो नीचे उतरा है बैटरी की तरफ दोबारा, तो ऐसे। तो ये आप देख सकते हो इट रिजेंबल्स लाइक एन, तो इसकी जो पोलैरिटी हुई वो एन हुई, ठीक है। और अगर ऐसे होता और करंट थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा होता तो आप देख सकते थे वो एस भी बनता, तो वो साउथ पोलैरिटी होती, पर इसमें पोलैरिटी नॉर्थ है, नॉर्थ है। दूसरा उन्होंने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लूप। मैग्नेटिक फील्ड की स्लेंथ बनाने के लिए आप लेंथ, वायर की लेंथ बढ़ा सकते हो तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और मैग्नेट की लेंथ बढ़ा सकते हो तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द सेक्शन ए। और सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे आप देख सकते हो कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं, आपको 2 छोड़ने होते हैं और बाकी 4 करने होते हैं। तो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन क्वेश्चन का, ध्यान से मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे खत्म हुआ है। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एंड यहाँ पे हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंडिंग ओवर हेयर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। और अगर आपको इन क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।